हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, जिसका नतीजा है कि किसान की प्रगति और प्रदेश की प्रगति में सीधा संबंध है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में नई तकनीक और नए ज्ञान का उपयोग करके जिस तरह से कृषि क्षेत्र में हरियाणा विकसित हो रहा है, उससे सूबे के किसानों को भी प्रेरणा मिल रही है। जैसे किसान अब धीरे धीरे आधुनिक खेती की ओर आगे बढ़ रहा है, हरियाणा सरकार बागवानी के तहत फल और सब्जियों की खेती करने पर काफी अच्छा अनुदान दे रही है, जिससे किसानों की कमाई भी अच्छी खासी हो रही है। हरियाणा सरकार की किसान हितैषी नीतियों की वजह से आज प्रदेश में खुशहाल और प्रगतिशील किसानों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और सरकार की कल्याणकारी नीतियों का फायदा उठाकर सूबे का किसान लगातार तरक्की कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद किसान परिवार से हैं और यही वजह है कि वो सूबे के किसानों से काफी स्नेह रखते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री खुद किसानों का उत्थान करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिसके तहत प्रदेश में कई कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जा रहा है, जिसकी बदौलत हरियाणा में प्रगतिशील किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम जो नई तकनीक और नए ज्ञान का उपयोग करते हैं अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, इसकी प्रेरणा अन्य किसानों को भी मिलती है और बहुत से किसान धीरे धीरे इस ओर आगे बढ़ रहे हैं कि फल और सब्जी की खेती करने के लिए पॉली हाउस है, हाईटेक ग्रीन नेट है, नेट हाउस है, तो इस प्रकार आधुनिक जो तकनीक है उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने हमें पानी की बचत करने के लिए भी जो एक फॉर्मूला दिया है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस अवधारणा पर चलते हुए हमने ड्रिप सिंचाई माइक्रो इरिगेशन इसका भी जो उपयोग शुरू किया है, इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। हरियाणा सरकार की नीतियां हमेशा किसान के साथ रही हैं, चाहे वो फसल की बुआई से पहले की कुछ आवश्यकताएं हों किसान की, अथवा फसल की बुआई के बाद हों, अथवा कटाई से पहले हों, कटाई के बाद हों, हर समय सरकार वो आपके साथ खड़ी है। अर्थात बीज से लेकर बाजार तक ये जो किसान के साथ हम खड़े हैं, ऐसी हमारी नीतियां हैं। हम प्रगतिशील जो किसान भाई बहन हैं उनकी विकास यात्रा में सरकार बहुत प्रकार की योजनाएं बनाती है और इन्हीं योजनाओं के कारण से आपको उसका लाभ मिलता है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान सोनू कुमार हैं, जो रोहतक जिले के गांव चिड़ी में पिछले कई साल से बागवानी की खेती कर रहे हैं। किसान सोनू कुमार बताते हैं कि पहले वो परंपरागत खेती के तहत मोटे अनाज की खेती करते थे, लेकिन उन्होंने अपने साथी किसान को बागवानी करते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने बागवानी की ओर रुख किया और बागवानी कर अच्छी कमाई करने लगे। उन्होंने बताया कि परंपरागत खेती में मुनाफा बहुत कम होता था और लागत ज्यादा लगती थी, लेकिन अपने साथी किसान और हरियाणा सरकार की नीतियों से प्रेरित होकर उन्होंने बागवानी की ओर रुख किया। उन्होंने सबसे पहले 2 एकड़ में भिंडी की खेती करनी शुरू की, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। उसके बाद धीरे धीरे किसान सोनू ने 2 एकड़ से 7 एकड़ में बागवानी करना शुरू कर दिया, जिसके तहत वो भिंडी, मटर, खीरा समेत और कई तरह की सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। नाम सोनू कुमार जी, गांव चढ़ी, डिस्ट्रिक्ट रोहतक जी। मैं भिंडी की और मटर की दो सारे एक सब्जी खेती करता हूँ। जो ये नवम्बर में 7 नवम्बर को मटर लगाई थी जी, अब फरवरी में इसकी तोड़ाई हो जाएगी, तो इसमें अब ग्वारफड़ी की खेती, उसके बाद ग्वारफड़ी की खेती करूँगा जी। तो एक सीजन में मैं सब्जी की 3 फसल, एक साल में 3 फसल ले लेता हूँ जी सब्जी की। इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है जी और बहुत अच्छी आमदनी है जी। इसमें शुरुआत करी थी जी, अब 7 एकड़ बो रहा हूँ जी मैं इस टाइम पे। पहले 2 एकड़ में शुरुआत करी थी जी, उसमें शायद प्रॉफिट बढ़िया आता है। अब 7 एकड़ की खेती कर रहा हूँ जी मैं सब्जी की। मैं जी 3-4 किलोमीटर भिंडी की खेती करता हूँ जी, 1-2 किलोमीटर की चप्पल कद्दू की, मेथी की और खीरे की, घिया की, सारी खेती अलग हर एक प्रकार की खेती करता हूँ जी। अभी 7 किलो में लगा रखी है जी, 2.5 किलो में भिंडी लगाऊंगा, 1 किलो में खीरा है जी, 1 किलो मटर है, 1.5 किलो में मेथी लगा रखी है जी, और एक हर एक चीज की खेती करता हूँ जी, 1.5 किलो में खरबूजा लगाऊंगा जी। मौजूदा समय में प्रगतिशील किसान सोनू कुमार परंपरागत खेती को छोड़कर और बागवानी अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सब्जियों की खेती करते हुए वो आज 1 एकड़ में 3.5 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा रहे हैं। उनका कहना है कि 1 एकड़ में बागवानी के तहत सब्जियों की खेती करने की लागत करीब 80,000 रुपए तक आती है।
बाद में गेहूं, मोटे अनाज की खेती करें, गेहूं हो गया, धान हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, इसकी हो गया जी, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं था जी। इसके बाद फिर मैंने सब्जी की तरफ रुझान किया, किसी भाई ने बताया था जी मेरे को सब्जी में अच्छा प्रॉफिट है, अच्छी है पैदावार जी, वो मिल भी रहा जी, सरकारी बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रही है जी, सब्सिडी वगैरह की बहुत अच्छे, टाइम टाइम पे डॉक्टर खंदा मिल जाते हैं जी, दवाई दो कार एक सब कुछ का पता चल जाता है जी टाइम पे, ज्यादा फर्क है जी खेत। तो गेहूँ की खेती करते हैं जी उसमें तो 10-15 हज़ार रुपये बता लेते हैं 6 महीने में, अगर हम सब्जी खेती करें उसमें 1-1.5-2 लाख का प्रॉफिट आराम से कर लेते हैं, हम खुद को बात करते हैं तो अपने आप पैदावार के लिए करते हैं तो 1-1.5-2 लाख रुपये आमदनी हो जाती है जी 6 महीने में। उन्होंने बताया कि 1 एकड़ में भिंडी की फसल को तैयार करने में 60 से 70 हज़ार रुपए का खर्च आता है, तो वहीं मार्केट के हिसाब से अच्छे दामों में भिंडी बिक जाती है और 3.5 लाख रुपए तक की बिक्री हो जाती है। इसके साथ ही 1 एकड़ में खीरे की 1 से 1.5 लाख रुपए तक का मुनाफा हो जाता है। भिंडी खेती करते हैं 1 एकड़ में 60-70 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है जी, और आमदनी को प्रभाव के ऊपर भी डिपेंड करता है जी, अगर बात अच्छा मिलता है तो 3-3.5 लाख की 1 एकड़ में भिंडी बिक जाती है, नहीं नॉर्मल 1-1.5 लाख की बचत तो नॉर्मल है जी भिंडी खेती में। अगर और किसी चीज़ की खेती करते हैं वो तो गेहूँ मोटे ना से एक खेती बढ़ गई जी, अगर खीरे खेती करते हैं उसमें 1-1.5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है जी, और भिंडी सबसे टॉप की खेती होती है भिंडी में, तो पिछले साल मैंने 2.5 एकड़ में भिंडी खेती कर रखी थी, मेरी 9-10 लाख के लाख मैंने भिंडी बिकी थी, 2.5 लाख रुपये का खर्चा आता जी उसमें, मजदूरी मजदूरी लेबर लेबर सब कुछ लाख के जी, मेरे तो 7-7.5 लाख रुपये बच गए थे जी। बागवानी में है जी दोगुनी आई, बागवानी में सब्जी खेती करते उसमें दोगुनी आई हो जाती है जी। प्रगतिशील किसान सोनू कुमार ने बताया कि वो अपने खेतों में देसी खाद का इस्तेमाल करते हैं और कीटनाशक खाद का इस्तेमाल नहीं करते। इसके साथ ही उन्होंने दूसरे किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि अगर किसान परंपरागत खेती को छोड़ बागवानी की ओर रुख करेगा तो अच्छा मुनाफा कमा सकता है, क्योंकि किसानों की आय को दोगुना करने की ओर बागवानी एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि वो अपने खेतों में कई परिवारों को रोजगार भी दे रहे हैं, जिससे उन परिवारों की आजीविका भी अच्छे से चल रही है। मेरे देख के जमा हमारे गांव में 5-6 भाई और खेती करने लगे जी सब्जी की, जो बढ़िया प्रॉफिट होता ना, तो मेरे देख के उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, कई भाई खेती करने लगे मेरे देख के, सबसे पहले मेरे गांव में मैं ही लगाने लगा था जी सब्जी खेती, अब तो बहुत ज्यादा लगाने लग गए जी, विमरता होगा थोड़े भी लगा भाई भी लगा हुआ जी 5-6 किले में सब्जी खेती एक गेर का, 5-6 परिवारों को जी अनुमान लो हर साल में 5-6 परिवार को लगातार काम मिलता रहता है जी, यहाँ पे 5-6 मजदूर काम करते रहते हैं मेरे खेत में, हरदम 5-6 परिवार को रोजगार मिलता है जी यहाँ पे। प्रगतिशील किसान सोनू कुमार बताते हैं कि सब्जियों की खेती करने पर हरियाणा सरकार की ओर से पूरी मदद की जा रही है और अच्छी खासी सब्सिडी भी दी जाती है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से उन्हें प्रति एकड़ बेल वाली सब्जियों की खेती करने पर 47 हज़ार रुपए की सब्सिडी मिलती है और मटर की फसल पर सरकार की ओर से 15 हज़ार रुपए प्रति एकड़ की सब्सिडी दी जा रही है। द्वारा जी अगर हम बेल की खेती करते हैं, कोई भी बेल की खेती करते हैं उसमें 6,000 रुपये मिलते हैं जी, अगर हम ये भिंडी वगैरह मटर वगैरह मेथी वगैरह इनकी खेती करते हैं इनमें 15,000 रुपये की खेती होती है जी, सब्सिडी मिलती है जी, खुश है जी बहुत खुश है जी सरकारी योजना से, और सरकार बहुत ज्यादा दे रही है जी, 1 एकड़ में 6,000 रुपये बहुत ज्यादा हो जाते हैं सब्सिडी के जी, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है जी इस योजना पे, बागवानी पर अगर 1 एकड़ में नींबू का बाग लगा था जी उसमें सरकार ने 43,000 रुपये सब्सिडी दी थी मेरे को, तो बहुत अच्छा काम कर रही है जी सरकार इस चीज पे। अच्छा मिला था जी उसमें अगर हम ये धान मोटा अनाज को छोड़कर और किसी भी चीज की खेती करते हैं उसमें 7,000 रुपये देती है सरकार, वो मिलता है जी मेरे को बहुत ज्यादा फायदा जी, उसमें आदमी अपना काम किसी भी तरह चला सकता है जी, उसमें कोई भी चीज हो जी सब्सिडी मिलेगी उसमें फायदा तो होगा ना। प्रगतिशील किसान सोनू ने कहा कि उन्हें फसल को बेचने में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती, मंडियों में उनकी फसल अच्छे दामों पर आसानी से बिक जाती है, इसके अलावा उनके खेत से भी लोग सब्जियां खरीद कर ले जाते हैं, इतना ही नहीं फसलों की बिक्री के लिए मंडियों में सरकार की ओर से भी पूरी व्यवस्था की गई है। बिक्री अपनी मंडियों में होती रोहतक मंडी रही, कौन है मंडी रही, कौन सी मंडी में ले जाए, कोई दिक्कत नहीं आती जी भिंडी खेती में, कोई समस्या नहीं आती, जो अगर दो आगे भी बो रखे जी गुरु मैंने सब्जी इनकी दोनों जाते मंडियों में उठ जाएगी 80 रुपये 100 रुपये 120 रुपये 70 रुपये के लिए ऐसी बिकेंगी, अगर बीच में डाउन भाव आता है जी उस टाइम पर मान लो अपने खर्चा फिर भी निकाल देती है जी सब्जी खेती कोई भी हो जाए, बीच में डाउन आ जाता है 20-22 रुपये किलो भिंडी का नॉर्मल भाव 20-22 रुपये किलो रहता है जी, उसमें फिर भी बढ़िया प्रॉफिट है जी। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से और भी कई तरह की सहायता मुहैया कराई जा रही है, बागवानी विभाग की तरफ से समय समय पर मुफ्त ट्रेनिंग भी दी जाती है
और फसलों की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाता है। उन्होंने बताया कि सरकार के अधिकारी भी समय समय पर फसलों की जांच के लिए खेतों में पहुंचते हैं और खेत की मिट्टी के सैंपल लेकर जांच करते हैं। अगर खेतों में किसी चीज की जरूरत होती है तो उसे मुहैया कराया जाता है। मुफ्त होते जी, कोई फीस नहीं लेते, खाना खर्चा सभी करूँ, अगले बार अफसर सबको वही करते जी, जो अफसर होते हैं ना वही करते जी, सब कुछ सरकार फ्री देते हैं, सब कुछ जाते जी, डॉक्टर टाइम टाइम पर डॉक्टर आते हैं जी देखने के लिए, सब कुछ कोई बीमारी नहीं है, मिट्टी जांच करवाने के लिए सब कुछ लैब पर बहुत जाते जी, सबको करवा देते जी, यार होता है हमारे मिट्टी जाँच, अच्छा कोई समस्या नहीं थी जी, हर एक चीज़ की सब बढ़िया मिले जी, अफसर भी बढ़िया मिले जी, और जो भाई आते हैं यहाँ पर देखने फील्ड में, फील्ड ऑफिसर आते वही बढ़िया मिल रहे हैं जी, हर एक टाइम पर दवाई दो सब कुछ बता देते हैं, टाइम पर सब्सिडी वगैरह की सब हर एक चीज़ की जानकारी दे देते हैं जी, हर एक टाइम पर आ जाते हैं जी। प्रगतिशील किसान सोनू कुमार बताते हैं कि प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में सरकार की ओर से काफी सारी स्कीमें लागू की हैं जिनका किसानों को काफी फायदा हो रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से उन्हें अच्छी खासी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है और सरकार के अधिकारी खेतों में आकर खेती बाड़ी से जुड़ी सलाह भी देते हैं। अधिकारी खुद सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हैं और सभी तरह की योजनाओं की सब्सिडी सीधे खाते में पहुंचती है। मारे एक चीज का फायदा उठा रहे हैं, ये लोल टनल लगा रखी है जिसमें 14 रुपए सक्कर मीटर के हिसाब से मिलेगी, और जो ये मिल्चिंग बिछा रखी है इसमें जो सरकार देती है 6,500 रुपए सब्सिडी मिलती है, बीज के अलग से मिलते हैं जी 15,000 रुपए, और ये एक पैक हाउस लगा रखा है जी, उसने सरकार की तरफ से मेरे को 1,65,000 रुपए की सब्सिडी मिली थी, पिछले साल मैंने किया कि बांस पे खेती करी थी उसमें हमारे को 40,000 रुपए के एक एकड़ के 40,000 रुपए मिले थे जी, और मटर के मिलते हैं जी 15,000 रुपए, आपकी बार 15,000 रुपए खत्म आ गए मटर के जी, मेरे सब्सिडी मिलती है 15,000 रुपए मटर की खेती करता था अगर कोई भी किसान, सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है जी, ऐसी ऐसी राशि बहुत बढ़िया प्रोत्साहन राशि बढ़ा रही है जी, और बहुत अच्छी स्कीम ले रही है सरकार किसान के, मतलब बहुत अच्छी सरकार है जी, और बहुत अच्छी प्रोत्साहन राशि बढ़िया देती है जी, सब्सिडी वगैरह का बहुत अच्छा, मेरे को तो खेत में आके ही बता देते हैं अफसर जो आता है ना, वो खेत में ही बता देता है सरकार की सब्सिडी के बारे में, अच्छा खुद ही आगे बता देते हैं मेरे खेत में आगे बता देते हैं, ऐसा की मारी सरकार की तरफ से आप अगर इसका लाभ लेना चाहते हैं तो फार्म भर दो इस चीज़ के, तो वो मेरे को मिल जाती है टाइम टाइम पे सब्सिडी वगैरह जो सरकार की स्कीम होती है जी, अच्छा जो कोई समस्या नहीं आती जी, सीधे खाते में आ जाते हैं जी पैसे, मदन वाले जो अब फोटो उतरे ना इसकी इंक्वायरी होगी जी, एक महीने बाद पैसे आ जाएंगे जी खाते में, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती जी, बहुत खुश हूँ जी, मतलब इसी में मेरा काम चला रखा है जी, और गेहूँ में काम चल रहा है, मोटे अनाज में काम नहीं चलता जी, इसी में बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है जी मेरा, तो बढ़िया आमदनी है जी, टाइम पर अपने 2 रुपये का दौरा हुआ है। वहीं रोहतक के जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने बताया कि हरियाणा सरकार लगातार किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास कर रही है और आज किसानों के लिए बागवानी फायदेमंद होती जा रही है। उन्होंने बताया कि बेल वाली सब्जियों की खेती करने पर बागवानी विभाग की ओर से किसानों को काफी सहयोग किया जा रहा है। किसान भाइयों, सब्जियों की काश्त आमतौर पर हमें पता है सीजनल होती है, और बिल्कुल सब्जियां एक ऐसी काश्त है बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन की, साल में जैसे आमतौर पर हमारी दूसरी जो फसलें हैं वो साल में एक या दो ही ले सकते हैं हम, लेकिन यदि हम सब्जियों पे आते हो तो साल में 3 से 4 तक सब्जियां ले सकते हैं, सीजन के हिसाब से होती है सब्जी, 3-4 महीने की का लाइफ स्पैन होता है। तो सब्जियों में यदि मैं हमारे विभाग की बात करूं, बागवानी विभाग की, तो एक बहुत अच्छी स्कीम हमारे विभाग की सब्जियों की काश्त में, कोई भी सब्जी सीजनल सब्जी, जैसे मैं इस टाइप की टाइम की बात करूं सर्दी में फूल गोभी पत्ता गोभी जैसे कि का सीजन होता है, बहुत अच्छा सीजन है इस टाइम पर, तो ये या और कोई भी सीजनल सब्जी जैसे इस टाइम कोई भी, जैसे हमने आलू की काश्त करनी है, आगे जनवरी में प्याज लगाना है, लहसुन लगाना है, तो कोई भी सब्जी जैसे हम लगाते हैं, गाजर लगानी है, मटर लगानी है, तो हर किसी भी सब्जी पर हमारे विभाग की तरफ से प्रति एकड़ 15,000 रुपये का अनुदान है किसान भाइयों को। वही उन्होंने बताया कि बागवानी विभाग की ओर से किसानों को काफी मदद दी जा रही है, और अगर कोई किसान बांस विधि के जरिए बेल वाली सब्जियों की खेती करता है तो उसे प्रति एकड़ अच्छा खासा अनुदान दिया जाता है, उसको थोड़ा सा तकनीक के साथ हमने करना होता है, तकनीक में 4-5 विधियां हैं जो सब्जियों के साथ हम जोड़ सकते हैं, जैसे सब्जियों में पानी देने के लिए मिनी स्प्रिंकलर या ड्रिप,
सूक्ष्म सिंचाई या जो हमारी फुहारा सिंचाई है उस विधि को जोड़ दें। और ये जो सूक्ष्म सिंचाई और फुहारा विधि है इस पर भी मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा। हरियाणा सरकार ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है मीकाडा डिपार्टमेंट के माध्यम से 85% अनुदान इसके ऊपर शुरू कर दिया। जो पहले 50-60% हुआ करता था वो आजकल 85% है। 15% किसान का खर्च होता है इस पर। और इस विधि से कोई भी सब्जी यदि हम लगाते हैं तो 15,000 रुपये हमारा बागवानी विभाग किसान भाइयों को देता है और उधर से टपका विधि पर फुहारा विधि पर भी किसानों को मदद मिलती है। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने बताया कि सरकार की ओर से बेल वाली खेती पर अच्छी सब्सिडी दी जा रही है और समय समय पर विभाग के अधिकारी फसलों का मुआयना करने के लिए जाते हैं। बागवानी विभाग के अधिकारी और माली किसान भाइयों की मदद करने के लिए खेतों में पहुंचते हैं। कोई भी बेल वाली सब्जी लगाते हैं उसके लिए एक ढांचा होता है बांस तार का, बांस तार की विधि जिस पे बेल वाली सब्जियां चढ़ा देते हैं उसके ऊपर अनुदान की स्कीम है। सब्जी पर अलग से मिलता है, बांस तार का जो ढांचा 31,250 रुपये उस पे हम अलग से देते हैं। उन्होंने बताया कि परंपरागत खेती के मुकाबले बेल वाली सब्जियों की खेती करने में 3 गुना ज्यादा मुनाफा होता है। तो ये जो मिश्रित जो टेक्निक हैं जो मैंने बताया जैसे मल्चिंग है, टनल है, ये जोड़े तो सब्जियों की काश्त पर एक बहुत अच्छी स्कीम है किसानों की। और सही मायने में यदि आमदन को थोड़ा सा हमने आज के दिन ट्रिगर करना है, बढ़ाना है, तो एक बागवानी बहुत अच्छा विकल्प है। और जो हमारी सरकार का, हरियाणा सरकार का, सेंटर सरकार का मुख्य ध्येय है वह किसानों की आमदन को बढ़ाना है, डबल करना है, तो ये एक अच्छा विकल्प है सब्जियाँ। यदि हम सब्जियों को जोड़ते हैं तो जो हमारी आमदन है वो 2-3 गुना तक हमारी इसमें बढ़ती है। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने बताया कि सब्जियों की बिक्री बड़ी आसानी से हो जाती है जिसके लिए रोहतक मंडी में सब्जियों की बिक्री की जाती है जहां अच्छा दाम मिल जाता है। और कोई किसान सब्जियों का ज्यादा उत्पादन करता है तो ऐसे किसान बिक्री के लिए दिल्ली और गुरुग्राम की मंडियों में भी जाते हैं। तो सब्जियों की बहुत हर जगह सब्जियों की डिमांड होती है। हर किसी को रोजमर्रा के जीवन में सब्जियां जैसे रूटीन में अपने किचन में यूज करनी होती हैं। तो लोकल जो हमारी मंडियां हैं जिला स्तर पर, खंड स्तर पर जो मंडियां हैं तहसील लेवल पर, आराम से सब्जियां वहां बिकती हैं, अच्छे भाव में बिकती हैं सीजन के हिसाब से। जहाँ तक ट्रेनिंगों की बात है तो ट्रेनिंगों में हमारा विभाग की तरफ से एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है HTI उचाणी करनाल में, जहाँ पे फ्री ट्रेनिंग चलती रहती है पूरा साल किसान भाइयों के लिए। तो वो वहाँ पे सोमवार से शुक्रवार ट्रेनिंग, टॉपिक वाइज ट्रेनिंग चलती हैं। बाज़ार बहुत ईजी है सब्जियों का, ट्रेनिंगें फ्री देता है विभाग। समय समय पर विभाग के जो अधिकारी हैं किसानों को फील्ड लेवल पर जाकर तकनीकी ज्ञान देते हैं। उन्होंने किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि किसानों को अपनी कुल जमीन के 1/3 हिस्से पर बागवानी करके जरूर देखनी चाहिए जिससे पता लगेगा कि बागवानी में कितना मुनाफा है। किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा भाई किसान भाइयों, यदि हमने थोड़ा सा कृषि में आमदन को थोड़ा सा बढ़ाना है तो हमने थोड़ा सा विविधीकरण के ऊपर विचार करना पड़ेगा। और विविधीकरण में बागवानी एक बहुत अच्छा विकल्प है। और बागवानी में सब्जियों की कास्त बिल्कुल सीजनल कास्त है जो साल में 2-3 बार हम ले सकते हैं। अमूमन जो दूसरी फसलें हैं वो 1 या 2 होती हैं, ये 2-3 बार ले लेते हैं। और अच्छा इससे प्रति एकड़ हमारी जो फील्ड क्रॉप है उसके कंपैरिजन में 2-3 गुना हमारी जो आमदन है वो बढ़ा सकते हैं। किसानों को मूलभूत सुविधाएं मिले, अच्छा बाजार मिले और किसानों की आय दोगुनी हो, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने करीब 15,000 करोड़ रुपए कई योजनाओं के जरिए किसानों को देने का काम किया है जिससे पात्र और जरूरतमंद किसानों को बड़ी राहत मिली है जिसकी बदौलत प्रदेश का हर किसान खुशहाल होता जा रहा है।